नमस्कार मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो अब उनकी छुट्टियां शुरू ही होने वाली होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप देश या फिर विदेश में घूमने फिरने का प्लान भी बना रहे हो, लेकिन घूमने के दौरान आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाए या फिर आपका सामान चोरी हो जाए या फ्लाइट छूट जाए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए, आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी जालसाजी हो जाए या फिर अगर आप बीमार पड़ जाएं, तब आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप इन सब चीजों से घूमने जाने से पहले अपने परिवार और खुद को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम खास शो लेकर आए हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ policyx.com के CEO और फाउंडर नवल गोयल जुड़ रहे हैं। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि सबसे पहले दर्शकों को जरा ये समझाइए कि जब भी घूमने फिरने जाते हैं तो कैसे अपने आप को सबसे पहले वो सुरक्षित रख सकते हैं। जी, कभी भी आप घूमने फिरने जाते हैं तो सबसे ज्यादा लोगों का यही होता है कि या तो सामान चोरी हो जाए या फिर बीमार पड़ने की आशंका काफी बढ़ जाती है, क्योंकि आप इतना एग्जर्ट कर रहे होते हो, बार बार घूम रहे होते हो एक सिटी से दूसरे सिटीज। तो इसके लिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि आप बेस्ट मेडिकल केयर ले सको अगर आप बाहर हो और आपकी कोई भी एक्सीडेंट हो गई या बीमारी हो गई या फिर आपका सामान चोरी हो जाए, तो उस केस में भी ट्रैवल इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। आपकी कुछ पैसे ट्रैवल इंश्योरेंस से मिल जाते हैं ताकि आप एटलीस्ट उस नुकसान की भरपाई कर पाओ। और तीसरा ये होता है जनरली कि सामान चोरी हो जाए या आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए, जो काफ़ी होता है जब बाहर जाते हैं, स्पेशली अदर कंट्रीज में जब जाते हैं तो पासपोर्ट चोरी भी कवर हो जाती है ट्रैवल इंश्योरेंस में। यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। ये बेहद जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लें, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि विदेश में घूमने की अगर आपकी प्लानिंग है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ना भूलें। टिकटें बुक कराएं, होटल की बुकिंग भी जरूर करें, अच्छे से घूमने का प्लान बनाएं। लेकिन इन सब प्लानिंग से पहले सबसे पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो जरूर अपने लिए लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने परिवार और अपनी यात्रा को सुरक्षित कर सके। लेकिन नवल, जैसे आपने बताया कि बीमार हो जाए या फिर पासपोर्ट गुम जाए, इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस में और क्या क्या चीजें कवर होती हैं? अगर फर्ज कीजिए कि किसी का सामान खो जाता है या फिर फ्लाइट वगैरह छूट जाती है, तो क्या ये सब चीजें भी इसमें कवर रहती हैं? जी, अगर सामान खो जाता है तो डेफिनेटली इसमें कवर होती है, बट अगर फ्लाइट छूट जाए, जो कि अगर आपकी गलती से छूट रही है, तब तो वो कवरेज नहीं मिलती। लेकिन अगर जैसे कि फ्लाइट डिले हो गई, लेट्स से कि आपकी एक फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है आगे की, जो डिले हो गई, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये भी नवल बताइए कि कितने तरह के ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो होते हैं? जी, आप अगर बाहर जा रहे हो तो काफ़ी तरह के ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए होते हैं या पूरे एरियाज को। जैसे यूरोप का, अगर आप यूरोप का प्लान बना रहे हो तो मे बी यूरोप की अलग ट्रैवल पॉलिसी होती है, यूएस की अलग होती है। उसके अलावा मल्टी ट्रिप या सिंगल ट्रिप, अगर आपको बार बार एक कंट्री में जाना है एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो आप मल्टी ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो, या सिंगल ट्रिप अगर आप एक ही बार जाना चाहते हो तो सिंगल ट्रिप ले सकते हो। तो इस तरह के ट्रैवल इंश्योरेंसेज होते हैं। बाकी कवरेज में वेरिएशंस होते हैं कि अगर आपको जैसे हाई सम अश्योर्ड वाला चाहिए या लो सम अश्योर्ड, कि आपको डैमेज कितना कवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर $1,00,000 तक का मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, तो वो $1,00,000 सम अश्योर्ड का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, वेरेज अगर आप उससे हायर सम अश्योर्ड लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। बिल्कुल। तो जैसे आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, जैसे अपना टूर प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको अपना इंश्योरेंस भी प्लान करना होगा कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। खैर, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल इससे जुड़े हुए उठ रहे हैं, तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए, जहां पर इस वक्त ये शो लाइव है। नवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो अगर आप भी घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं या फिर इस दुविधा में उलझे हुए हैं कि कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप तुरंत अपना सवाल जो हमें लिख के भेजिए। हम कोशिश करेंगे अपने शो में ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल भी कर पाए। अच्छा, सबसे बेस्ट प्लान अगर हमें चुनना है तो नवल, कैसे हम चुने, क्या क्या क्राइटेरिया जो है हमें देखने चाहिए किसी भी ट्रैवल प्लान को, ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान को चुनते हुए? आपको दो ही चीजें देखनी है, एक तो कंपनी का कवरेज किन किन कंट्रीज में वो दे रही है,
दूसरा प्रीमियम कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल सेम कवरेज के लिए अगर एक कंपनी का, सो इसके लिए मोस्टली आप ट्रैवल इंश्योरेंस कंपैरिजन पोर्टल में चेक कीजिए कि आपको जहाँ जाना है और आपकी एज, मल्टी ट्रिप या सिंगल ट्रिप, इन सब डिटेल्स को अगर डाल के आपको जो प्रीमियम आ रहा है तो वो किन किन पॉलिसीज़ में कम या ज़्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी कवरेज भी वेरी करता है, जैसे कुछ कुछ पॉलिसीज़ में स्पेसिफिक कवर नहीं होता, कुछ पॉलिसीज़ में लिमिट्स होती है कि आपके पासपोर्ट की लिमिट जैसे $200 तक की लिमिट है या $500 की लिमिट है, तो वो लिमिट्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपका खर्चा उससे ज़्यादा आ रहा हो। अगर पासपोर्ट गुम गया या फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हो सकता है आपका खर्चा $10,000 का आ रहा हो, वेरेज इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ली है उसमें सिर्फ $300 का कवरेज हो। तो ये लिमिट्स चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। और बाकी सारे प्लान्स अपने अपनी जगह सही है, वो आपके हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। बाकी ब्रांड्स, मोस्टली सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, HDFC, अर्गो, आपके रिलायंस जैसे ब्रांड्स, स्टार हेल्थ, रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस, इन तरह के ब्रांड्स में आप देख सकते हो कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है। बिल्कुल, तो अपनी जरूरत के हिसाब से जो है आपको अपने लिए पॉलिसी चुन लेनी चाहिए। एक बार अच्छे से तमाम कंडीशंस, सभी शर्तों को जो है जरूर पढ़ें और उसके बाद ही अपने लिए सही पॉलिसी का चयन करें। लेकिन अगर क्या तमाम पॉलिसीज जो होती है वो हेल्थ कवर भी हमें इसमें देती है ट्रेवल इंश्योरेंस के साथ साथ? जी, इसमें ट्रेवल इंश्योरेंस बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही है जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान लागू होती है, तो डेफिनेटली इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। पासपोर्ट कवरेज वगैरह वगैरह तो एड ऑन फीचर्स है, सबसे बड़ा पार्ट यही है कि क्योंकि अगर कोई बाहर जा रहा है, जैसे कुछ कंट्रीज में तो ये मैंडेटरी है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस हो, क्योंकि आपका अगर कोई भी मेडिकल कॉस्ट आ जाता है और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो उस कंट्री के लिए भी आप लायबिलिटी बन जाते हो, तो उसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि अगर किसी दूसरे देश में आप जा रहे हैं और वहां पर आपके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है या फिर अगर आप बीमार भी पड़ जाते हैं तो कम से कम आपको हेल्थ कवर जो है वो जरूर मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि कितना हेल्थ कवर मिलेगा जब हम विदेश में अगर जाते हैं, क्या तमाम खर्चे जो है उसके अंदर नवल कवर हो जाते हैं या कुछ एक पार्ट होता है वही मिलता है हमें? मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी है एक्सीडेंट की वजह से है या बीमार पड़ने की वजह से है, वो सारा कवरेज होता है और उस वो कवरेज आपकी सम एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने $1,00,000 का लिया है या $3,00,000 का लिया है या $5,00,000 का, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है सम एश्योर्ड, इसीलिए वो पूरा का पूरा आपको कवरेज मिलता है अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हो जाए तो। बिल्कुल, तो अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ भी होता है तो विदेश में आप कहीं भी गए हो, किसी भी देश में गए हो, अगर आपके साथ अगर भगवान न करे कि एक्सीडेंट भी हो जाए तो ऐसी सूरत में भी ये इंश्योरेंस जो आपके लिए काफी बड़ा मददगार साबित हो सकता है, आपको कवर देगा। लेकिन नवल, इसके अलावा कई जैसे अलग अलग चीजें होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी फ्लाइट छूट जाती है, हम जा ही नहीं पाते हैं जिस विदेशी दौरे पर हम जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, क्या तब भी हमें जो है हेल्थ, ये माफ कीजिए, इंश्योरेंस का पूरा कवर मिलेगा, क्या ट्रैवल इंश्योरेंस तब भी हमें कुछ कवर दे पाएगा? जी नहीं, एक्चुअली अगर आपकी वजह से फ्लाइट छूटी है आपकी तो डेफिनेटली उसका कवरेज नहीं मिलता, बट अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में कोई चीज हो गई, नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो उस कंडीशन में आपको जो है क्लेम मिल जाएगा, या आपकी फ्लाइट डिले हो गई या कैंसिल हो गई फ्लाइट, तो उस कंडीशन में भी मिल जाएगा। जो भी चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उन चीज़ों के लिए इंश्योरेंस होता है, ना कि आपकी नेग्लिजेंसी के लिए या आपकी, अगर आप लेट हो गए फ्लाइट के लिए तो वो चीजें कवर नहीं होती। लेकिन अगर किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट जो होती है वो छूट जाती है, फर्ज कीजिए कि ऐसा हुआ कि एक पहली फ्लाइट हमने लेनी थी वो डिले हो गई और इसकी वजह से हमारी दूसरी जगह जाने की कनेक्टिंग फ्लाइट अगर छूट गई है, तो क्या उस सूरत में हमें कवर मिलेगा? बिल्कुल, उस सूरत में आपको मिलेगा क्योंकि वो भी आपके कंट्रोल के बियॉन्ड था, आपकी पहली वाली फ्लाइट डिले होने की वजह से हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली क्लेम मिलेगा। तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है इस वजह से क्योंकि आपकी पहली फ्लाइट डिले हो गई थी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ट्रेवल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, जैसा कि नवल ने भी बताया आपको। खैर, इस बीच में नवल एक सवाल को भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया है और कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। विनी कोहली जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनियां केवल घरेलू छुट्टियों के लिए भी इंश्योरेंस मुहैया कराती है, क्योंकि हम काफी अक्सर जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि विदेशी
जाने से पहले हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और दूसरा वो ये जानना चाहते हैं अगर फ्लाइट छूट गई है, अगर घरेलू छुट्टियों के लिए जा रहे हैं फ्लाइट छूट गई है तो क्या स्थिति में भी ये क्लेम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, घरेलू ट्रैवल्स के लिए भी ये ट्रैवल इंश्योरेंस लागू होता है। जनरली लोग नहीं लेते क्योंकि जनरली अगर जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो डोमेस्टिक हेल्थ इंश्योरेंस उसको कवर कर लेता है। तो आप मान लीजिए मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली में आप बीमार पड़ गए तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वही आपको कवर दे देगा। बाहर जाने के टाइम पे ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो होम हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको कवरेज नहीं दे पाता बाहर, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और बाकी ये फ्लाइट डिले डेफिनेटली कवर होती है उसमें, फ्लाइट डिले जो है वो बिल्कुल मेनी सी कवर होती है। लेकिन हाँ ये है कि घरेलू ट्रैवल के लिए आपको पॉलिसी तो मिल जाएगी, लेकिन चूंकि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको घरेलू जगह पर आपको उसका वैसे ही बेनिफिट मिलता है तो लोग अक्सर नहीं भी लेते हैं। क्या फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो नवल गोयल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप विदेश में घूमने गए हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या फिर डिजिटल फ्रॉड हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी क्या ट्रैवल इंश्योरेंस से आपको फायदा मिलेगा या नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। के बाद आप सबका स्वागत है। आज हम मनी गुरु में चर्चा कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, ऐसे में आपसे बहुत से लोग होंगे जो अब छुट्टियों के बारे में प्लानिंग भी कर रहे होंगे, तो प्लानिंग का एक अहम हिस्सा ये है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो जरूर अपने लिए लें। और हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, policyx.com के सीईओ और फाउंडर नवल गोयल जुड़े हुए हैं। तो नवल जी, जैसे ब्रेक से पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कई तमाम तरह की चीजों का, हेल्थ कवर के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन अगर विदेश में घूमते हुए किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी सूरत में क्या उसे ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या बीमारी हो गई वो डेफिनेटली कवरेज मिलती है आपको। लेकिन क्या इसमें तमाम तरह के खर्चे जो होते हैं वो कवर होते हैं? जैसे कि फर्ज कीजिए कि अगर किसी को अलग अलग दवाइयों की जरूरत पड़ी या एम्बुलेंस की फीस जैसे छोटे छोटे खर्च हो गए, ये क्या सारे खर्चे कवर रहते हैं? जी बिल्कुल, ये सारे जो भी मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे कवरेज मिलती है आपको। भले ही वो एक्सीडेंट की वजह से हो या अचानक कोई बीमारी लगने की वजह से हो, बट अगर आपको कोई बीमारी ऑलरेडी है तो आप ये नहीं कर सकते कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेके उसका इलाज करवाने बाहर चले जाएं। जो बीमारी आपको वहाँ जाने के बाद लगी है उन बीमारियों का आप इलाज करवा सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो ये आप नहीं सोच सकते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपने ले लिया और विदेश में जाकर इसका इलाज करा रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर आपको कोई बीमारी हो जाती है या किसी तरह का आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस के जरिए आपको कवर जरूर मिलेगा। लेकिन नवल, अक्सर हमने देखा है कि जब लोग बाहर घूमने जाते हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा जो है लुत्फ उठाते हैं, ऐसे में अगर किसी के साथ कोई भी तरह का हादसा हो जाता है तो क्या ये जो होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर रहता है, इसका इलाज कराना या तमाम तरह के खर्चे? यूजुअली ये एक्सक्लूजन के अंडर आता है कि अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में हादसा होता है तो वो जनरली कवर नहीं होता, बट कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पे इस तरह का कवरेज भी देती है। वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है बट जनरली ये कवर नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाएगी कितना प्रीमियम जो होता है अगर हम एक्स्ट्रा दें तो उसके बाद जो है इस तरह की पॉलिसी का हम फायदा ले सकते हैं? मतलब ये काफी सारा डिपेंड करता है एज, जेंडर या कितने टाइम के लिए आप ट्रेवल करते हो, तो इसमें काफी वेरिएबल्स है। प्रीमियम ऐसे डिसाइड नहीं किया जा सकता, बट काफी मतलब अगर आपकी नॉर्मल पॉलिसी 1,000 रुपए की है तो इस तरह का कवरेज के लिए आपको शायद 2,500-2,500 रुपए देना पड़े। बिल्कुल, 2,000-2,500 रुपए जो है आपको अतिरिक्त चुकाने पड़ सकते हैं अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि यात्रा को आप सुरक्षित करके जाएं, तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो जरूर इस तरह के कवर का जो है वो फायदा आप ले। खैर, इस बीच में नवल हमारे पास एक सवाल भी आया है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। रोहित कुमार का सवाल आया है, ये जानना चाहते हैं कि जून 2019 में अब ये थाईलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, पत्नी और बेटे के संग ये घूमने जा रहे हैं, तो थाईलैंड जाने के लिए कौन सी पॉलिसी लेना ठीक रहेगा और कितना प्रीमियम हो सकता है और किस तरह फायदा जो है उनको मिल पाएगा, किस किस तरह के फायदे मिलेंगे?
आपको आइडियली कंपैरिजन पोर्टल में कंपेयर कर लेना चाहिए कि कौन सी ट्रैवल पॉलिसी आपके अनुसार बेस्ट रहेगी. आपको जनरली ये देखना चाहिए कि आपको कवरेज कितना चाहिए, $1,00,000 या 2 लाख, 3 लाख, और उसके अलावा कवरेज आपको पूरी फैमिली का लेना चाहिए एक ही फैमिली फ्लोटर प्लान में. और ब्रांड्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टार हेल्थ, रेलीगेयर, HDFC, अर्गो, इन ब्रांड से आप सिलेक्शन कर सकते हो. और उसके अलावा जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम आपका वेरी करता है काफ़ी चीज़ों पे. आपने शायद एज वगैरह आपकी बताई नहीं है तो मैं प्रीमियम नहीं बता पाऊँगा, बट इतना महंगा नहीं होता. 1,000-2,000 रुपये का, 3,000 रुपये तक का प्लान होता है. और उस वो वेरी करता है किस ड्यूरेशन के लिए आप जा रहे हो, मल्टी ट्रिप है, सिंगल ट्रिप है, तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं इसमें. बिल्कुल, तो अलग अलग वेरिएबल्स रहते हैं. आपकी उम्र के मुताबिक जो है थोड़ा सा फर्क जो है आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पर पड़ सकता है, लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि अगर 30 से 40 साल की उम्र रहती है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम जो है आपको नहीं चुकाना पड़ेगा. खैर, हम चर्चा ये भी कर रहे थे, जैसा कि ब्रेक से पहले भी नवल मैंने जिक्र किया था, अक्सर हमने ये भी देखा है कि कई देशों में जब हम घूमने जाते हैं तो वहां पर डिजिटल फ्रॉड का बहुत ज्यादा खतरा रहता है. तो ऐसे में क्या इंश्योरेंस पॉलिसियां इसके खिलाफ भी कोई कवर प्रदान देती है? हम कोई प्रीमियम चुका दें और डिजिटल फ्रॉड के अगेंस्ट भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? डिजिटल फ्रॉड्स जनरली कवर नहीं होते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में. जैसे कि आपका अगर क्रेडिट कार्ड गुम गया या डेबिट कार्ड गुम गया और उसमें अगर किसी ने एक्सपेंस कर लिया उस कार्ड के थ्रू, तो वो जनरली कवरेज नहीं मिलती क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है. मतलब वो किस भी लिमिट तक जा सकता है. वो जनरली आपकी बैंक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ट्रैवल इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली इस तरह का कवरेज नहीं होता है. बिल्कुल, ट्रैवल इंश्योरेंस में इस तरह का आपको जो है बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डिजिटल फ्रॉड जो है भारत वापस आने के बाद हुआ, कई बार हमने देखा है कि ऐसा भी देखा गया है कि लोग वापस आ जाते हैं लेकिन उनके कार्ड का इस्तेमाल जो है वो बाद में भी हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उनके कार्ड का जो है से उसी तरह से नंबर वगैरह जो है ले लिए हो, या फिर डिजिटल अकाउंट्स, उनके बैंकिंग अकाउंट्स जो है वो उनको हैक कर लिया हो, तो कैसे जो है उसके खिलाफ कुछ कवर प्रदान किया जा सकता है? जी, उसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं मिलता आज के दिन. अगर आप ये चाहो कि आपकी क्रेडिट कार्ड में अगर कोई एक्सपेंस कर ले या खो जाए, तो ये बैंक्स ही कुछ लेवल पे प्रोटेक्शन देती है. जैसे जिस बैंक ने ये कार्ड आपको प्रदान किया है, वही बैंक आपको काफ़ी सारी बैंक्स है जो क्रेडिट कार्ड में प्रोटेक्शन देती है कि अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है तो विद इन 2 आवर्स अगर आपने इंटीमेट कर दिया तो कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, या विद इन जैसे ही आपका लॉस्ट होता है आप उसको ट्रांजैक्शंस को रोक सकते हो. बट इसके लिए कोई इंश्योरेंस कवरेज ऐसा स्पेसिफिक नहीं है. बिल्कुल, तो इस तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपको डिजिटल फ्रॉड के अगेंस्ट जो है कवर नहीं देती है, तो आपको जो है ये खास ख्याल रखना होगा. एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है, प्रकाश महाजन का. इन्होंने सूरत से ये लिखा है कि विदेश में अगर ये छुट्टियां मनाने जाते हैं और इस दौरान उनके घर पे किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है या फिर चोरी हो जाती है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां इसका भी क्लेम देती हैं? जी नहीं, ये ट्रैवल इंश्योरेंस अलग चीज़ है जो सिर्फ आपकी ट्रैवल को कवर करता है. आपको अगर घर प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हाउस इंश्योरेंस आपको लेना होगा, जिसके तहत आपकी अगर चोरी हो गई या घर डैमेज होता है कोई भी नेचुरल कलेमिटी से, तो वो कवरेज मिल जाती है आपको. तो कवरेज जो है वो आपको मिल जाएगी अगर आप होम इंश्योरेंस ले लेंगे, लेकिन इंक्लूडिंग थेफ्ट पॉलिसी जो होती है. जी बिल्कुल, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना चाहिए. होम इंश्योरेंस प्लस थेफ्ट पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो प्रकाश जी आपके लिए बेहतर रहेगा. लेकिन नवल, अगर कोई हफ्ता 10 दिन के लिए घूमने जा रहा है तो क्या उसको पहले जो है होम या थेफ्ट पॉलिसी लेकर जाना चाहिए, या फिर अगर लंबे टूर के लिए जा रहा है तभी लेनी चाहिए? होम इंश्योरेंस जनरली 1 साल का होता है. ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए ले सकते हो, बट होम इंश्योरेंस आप 1 ही साल के लिए ले सकते हो. तो आइडियली अगर आपको लगता है आपके घर में चोरी होने की संभावना है या कोई और नेचुरल कैलामिटी, फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया, तो आपको होम इंश्योरेंस लेना चाहिए. और होम इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता होता है. मतलब 1-2 करोड़ का घर भी आपको 5-10 हज़ार रुपये सालाना प्रीमियम में कवरेज मिल जाती है, क्योंकि उसमें डैमेज होने के चांसेस काफी कम है, तो इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम है. तो वो तो आपको अलग से ले ही लेना चाहिए. तो प्रकाश जी, अगर आपने होम इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ और कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप होम प्लस थेफ्ट इंश्योरेंस जरूर ले लें, वैसे भी आपके घर को ये सुरक्षित रखेगा. अच्छा नवल, बात करते हैं स्टैंड अलोन पॉलिसी के, इसके क्या क्या फायदे रहते हैं? स्टैंड अलोन किस चीज की पॉलिसी? जी ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी बात कर रहे हैं.
मतलब अगर आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, हाँ मतलब इंडिविजुअली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो फैमिली फ्लोटर ही आपको सस्ता भी पड़ता है और काफ़ी मतलब उसमें कवरेज आपको वही मिल जाती है जो आपको इंडिविजुअली मिलेगी। जी, और इस पॉलिसी के क्या क्या नुकसान रहते हैं? अगर कोई व्यक्ति जो है स्टैंडर्ड लोन पॉलिसी सिर्फ अपने लिए ले रहा है और फैमिली फ्लोटर नहीं ले रहा है, तो उसके क्या क्या नुकसान भी रहेंगे? नुकसान ऐसे कुछ नहीं है, बस आपको प्रीमियम अलग अलग देना होगा तो डेफिनेटली थोड़ा महंगा पड़ता है। जी, तो थोड़ा सा महंगा जो है आपके लिए पड़ सकता है आपको अगर स्टैंडर्ड लोन पॉलिसी जो है आप लेते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया नवल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि कैसे जो है उनको ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा उठाना चाहिए। तो अगर आप भी कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, छुट्टियां आने वाली हैं और अब तक अगर आपने टिकटें बुक करा लिए हैं, पूरी प्लानिंग कर ली है लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो यकीन मानिए इसके बिना आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला कदम आपको आज यही उठाना है कि अपने लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेना है। तो आज के लिए मनी गुरु में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।